टेलीविजन का वो खुश रंग चेहरा, दूरदर्शन की वो हसीन हस्ती, जिनके जुदा अंदाज और बोलने की मजाज ने उन्हें बुलंदी के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी का ख्वाब होता है। आज के समाचारों में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि राज्यसभा में मानहानि विधेयक पर विचार का काम स्थगित रखा जाएगा। दूरदर्शन के जरिए उनकी मौजूदगी देश के कोने कोने में दर्ज होती थी। न सिर्फ मौजूदगी बल्कि उनकी सादगी, उनकी संजीदगी और उनका पहनावा लोगों को खूब भाता था। सीधे पल्ले की गुजराती साड़ी पहनकर, बालों को सादगी से संवार कर जब वो टीवी स्क्रीन पर आते तो उनका चेहरा देखने वाले के दिलो दिमाग पर चस्पा हो जाती थी। क्या जीनत अमान, क्या रेखा, इन हसीन चेहरों की तरह ही आम पसंदी एक जमाने में इस चेहरे की भी थी, क्योंकि देश भर में सिनेमा घरों से भी ज्यादा दर्शक इस चेहरे को देखने टीवी के आगे उमड़ते थे। अमृतता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि समस्याओं को आपसी बातचीत से सुलझाने की बजाय मैगजीन्स में इस तरह का भी आया कि जैसे कड़कती हुई गर्मी में कोई ठंडी लस्सी पिला दे आपको, ऐसा एहसास होता है जब सरला महेश्वरी इस तरह की साड़ी पहन के पर्दे पर आती हैं। साल 1976 से 2005 तक देश के कोने कोने में हर शाम दूरदर्शन पर धमकता था इनका चेहरा। हमारे खास कार्यक्रम फिर तेरी कहानी याद आई में आज बात उस गुमनाम चेहरे की जिसका जादू कभी देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। टीवी की उस हसीन हस्ती की जिसे दुनिया सरला माहेश्वरी के नाम से जानती है। उस दौर में देश और दुनिया की खबरों को लोगों तक पहुंचाने का इकलौता माध्यम था दूरदर्शन। ऐसे में दूरदर्शन के एंकरों का रोल भी काफी अहम हुआ करता था। हर खबर पहले इन तक पहुंचती थी और फिर इनके जरिए देश के कोने कोने में पहुंचा करती थी। वो रात का समय था जब राजीव गांधी की हत्या को साजिशन अंजाम दिया गया। दूसरे दिन दूरदर्शन पर सरला माहेश्वरी को ही इस खबर को पढ़ना था। दशकों बाद आज भी सरला को वाकया नहीं भूलता जब उन्होंने अपनी तेज रफ्तार धड़कनों पर काबू पाते हुए इस खबर को लोगों तक पहुंचाया था। मुझे याद है मई का महीना था जब अचानक उस दिन मैं न्यूज़ पे मुझे पढ़नी थी, मैं ड्यूटी पे थी। सुबह सुबह उठते ही मुझे खबर मिली कि राजीव गांधी की हत्या हो गई। मतलब एक बार ही आप हिल जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे, कंपेयरिंग की थी, और मुझे पता था कि व्यूइंग भी उस दिन बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ऐसे में फिर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी भावनाओं को बहुत नियंत्रित करके आपको पढ़ना पड़ता है और बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। बड़ी से बड़ी खबरों को सादगी के साथ पूरे देश तक पहुँचाने का जिम्मा लगातार 29 सालों तक सरला माहेश्वरी ने अपने कंधों पर उठाया। जितनी मशहूर वो अपनी आवाज के लिए थी उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्धि उन्होंने अपने पहनावे के लिए बटोरी थी। उनके पहनावे के लिए देश भर से चिट्ठियां दूरदर्शन पहुंचा करती। कुछ चिट्ठियों में तो उनकी फैन फॉलोइंग देखने लायक होती थी। किसी ने लिखा कि जब सरला जी सादगी के साथ सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर पर्दे पर आती है तो ऐसा एहसास होता है कि कड़कती हुई धूप में कोई ठंडी लस्सी पिला दे। सरला की गुजराती साड़ी का चलन कुछ इस कदर महिलाओं पर छाया कि कई हिंदी फिल्मों में हीरोइन उनके जैसा गेटअप अपनाने लगी। लेकिन सरला के इस पहनावे का प्रेरणा स्रोत कौन था, यह जानना भी काफी दिलचस्प है। ना तो किसी फिल्म स्टार से इंस्पायर था, ना किसी और से। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी मॉडल रही, मैं उन्हें देखती थी, वो इसी तरह से साड़ी पहनती थी और लोगों ने उसे पसंद भी किया। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जितना सादा और सिंपल और ज़िंदगी के करीब आप रहोगी उतने ज़्यादा अपील करोगी, और जैसी रहती हो उसी तरह से आओगी तो शायद लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। भारतीयता की बात की जाए, एक सही मायनों में नारीत्व की बात की जाए, जिसे फेमिनिटी कहते हैं, तो सरला जी का कोई जवाब नहीं। सरला का न सिर्फ पहनावा पॉपुलर हुआ बल्कि उनके चेहरे का चमकता नूर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता चला गया।
लेकिन इन सब के बीच चेहरे के बीचों बीच मौजूद काले तिल के लिए सरला जी को कुछ कड़वे शब्द भी सुनने को मिले। कुछ लोगों ने आलोचना भी की कि आप निकलवा दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि चेहरे पर एक बड़ा, क्योंकि तब शायद चेहरा और भी छोटा था मेरा और लोगों को लगता था एक बहुत बड़ा वो इतना बड़ा तिल जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आलोचना भी थी लेकिन पसंद करने वाले लोग भी थे। साल 1976 में शुरू हुआ सरला का सफर धीरे धीरे लोगों के दिलों में बसता चला गया। एक ओर उन्हें चेहरे के बीचों बीच काले तिल के लिए आलोचनाएं मिल रही थीं, तो दूसरी ओर उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। खास तौर पर इस तिल के तारीफों के पुल बांधने वाली चिट्ठियां भी दूरदर्शन पहुंचने लगी। मजेदार बातें आया करती थी इस बारे में भी, लोग अपनी कविताएं लिखा करते थे, कल्पनाएं किया करते थे, जैसे फूल पे भंवरा बैठता है उसी तरह से ये काला तिल भी आपके चेहरे पर दिखाई देता था, ऐसी ऐसी बातें आती थी। मनोरंजन जगत या सिनेमा जगत से जुड़ी कोई खबर हो या फिर देश में घट रही एक अहम घटना, हर खबर को बड़ी ही शालीनता के साथ वो पर्दे पर उकेरती। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ी जिसके लिए उन्हें धमकियां भी मिली। गुरदासपुर में 5 अन्य व्यक्तियों को मार दिया गया। अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में एक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पंजाब में पनपे उग्रवाद के दौर में भी सरला ने दूरदर्शन के जरिए खबरें लोगों तक पहुँचाई। बदले में उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली, लेकिन अपने सफर में आने वाली हर चुनौतियों का उन्होंने डटकर सामना किया। लेट 80s में पंजाब में उग्रवाद था, तो एक बार धमकी मिली थी इनको, तो इन्होंने फोन किया। आई वाज इन द हॉस्पिटल जंपिंग ट्रैफिक लाइट से, एक ट्रैफिक लाइट पर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो मैंने उसको बोला भाई ऐसे ऐसे मेरी पत्नी को उग्रवादी ने धमकी दी है। उसने विश्वास नहीं किया लेकिन जाने दिया, तो वो थोड़ी एंग्जाइटी उस टाइम होती थी। अपने करियर के शुरुआती सालों में वो जहाँ भी जाती उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ती। फैन फॉलोइंग में उम्रदराज लोगों और शालीन सभ्य समाज की महिलाओं से लेकर तब की युवा पीढ़ी भी शामिल थे। ज़्यादातर अधिकतर लोगों ने इस बात को पसंद किया कि एक बहुत ही आपके नेक्स्ट डोर आप कोई रहता हो उस इमेज के साथ, अगर आप पर्दे पे आ रहे हैं तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप सीधे उनके ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। तो जहाँ हम लोग चले जाते थे बहुत जल्दी पहचान लिए जाते थे, फ़ोन नंबर लेते थे, घर आना चाहते थे, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि आपने कैसे ये शुरुआत की, हम भी ये करना चाहते हैं। कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए फैशन आइकन बनने वाली सरला माहेश्वरी को दूरदर्शन पर आने का मौका उनके कॉलेज के दौरान ही मिला। कॉलेज पूरा करते हुए वो प्रोफेसर बनने का सपना देख रही थी। टीवी जगत में कदम रखने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में बीए और एमए करने के बाद पीएचडी पूरी कर रही थी। किस्मत ने उन्हें दूरदर्शन की राह दिखा दी। आई थिंक किस्मत ने जोड़ा दूरदर्शन से मुझे। एमए ख़त्म करने के बाद पीएचडी कर रही थी और कॉलेज में जॉब ढूंढ रही थी लेक्चरशिप का। इसी बीच मुझे पता लगा कि दूरदर्शन में कुछ अनाउंसर्स की पोस्ट निकल रही है, उसके ऑडिशन में चली गई और 14 लोग आए थे जिनमें से 3 सेलेक्ट हुए, जिसमें अविनाश कौर एक थी और एक अंजलि राय और एक मेरा नाम था। तो 2 दिन बाद मुझे कॉलेज से भी ऑफर आ गया था, तो उन दिनों मैं सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को अनाउंसमेंट करने टेलीविजन जाती थी। दूरदर्शन के साथ जुड़कर सरला कई बड़ी खबरों को लोगों तक पहुँचाने का जरिया बनी, तो ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होते छोटे पर्दे के सुनहरे दौर का भी लुत्फ उठाया। मुझे याद है जब 1982 में एशियाड हुआ था, उस दौरान अगस्त में ये कलर्ड हुआ था, उससे पहले हम ब्लैक एंड वाइट में पढ़ते थे न्यूज़। उस समय मैंने गुलाबी रंग की एक साड़ी पहनी थी और बड़े हम खुश होके अंदर गए कि हम एक इतिहास रच रहे हैं, आज एक कलर टीवी पे पहली बार हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं। जब पढ़ के मैं बाहर आई तो जो कमेंट्स मिले, क्योंकि चेहरा पूरा गुलाबी आ रहा था, गुलाबी साड़ी पूरी जामनी रंग की नज़र आ रही थी, यानी जो हमें दिखना चाहिए थे उससे बिल्कुल उलट हमारी तस्वीरें आ रही थी, और जिसको मिले वही हमें टोके कि आज आप ये आप क्या पहन के गई थी, ये आज आपने क्या मेकअप किया था। तो वो भी मतलब एक अपने आप पे बड़ी ग्लानी सी हुई थी कि जिस चीज़ के ऊपर इतना हम अभिमान कर रहे थे और खुश हो रहे थे वो भी उससे बिल्कुल उलट हुई। एक अरसे तक दूरदर्शन की साथी रही सरला को आज भी वो वाक्य नहीं भूलता जब उन्हें पहली बार स्क्रीन पर आने का मौका मिला था। आज भी सरला को याद है दूरदर्शन के कैमरे पर अपना पहला दिन कैमरे के आगे लाके खड़ा कर दिया था और
हमें बोलना था। मुझे याद एक बार बैनर पेंटर्स पर उन्होंने हमसे कहा कि आप अनाउंसमेंट बनाइए। मैं बहुत खुश हुई कि चलो मुझे लिखने का मौका मिला, मुझे शौक भी था लिखने का। जैसे उन्होंने मुझे क्यू किया, शायद एक सेंटेंस बोली, उसके बाद में सब कुछ भूल गए, सब वाइप ऑफ, मेरा पूरा सिर स्क्रीन के ऊपर था। फिर मैंने उस लाइन को ढूंढा, किसी तरह पढ़ पढ़ा के मैंने वो अनाउंसमेंट ख़त्म की। तो तब फिर मैंने महसूस किया कि इतना आसान नहीं है ये ज़रिया, वो कैमरे से बात करनी है आपको, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे सेंटेंस आपको याद रखने हैं, किस तरह याद करके आप उसको बोलेंगे। किस्मत ने उन्हें कॉलेज क्लासेस से सीधा दूरदर्शन के पर्दे तक पहुँचा दिया था। चार बहनों में से एक सरला बड़े ही साधारण गुजराती परिवार में पली बढ़ी, जिसका असर आज भी उनकी बातों में और उनके बनाए पकवानों में नजर आता है। भले ही देश भर से सरला की न्यूज रीडिंग की तारीफें होती हों, लेकिन उनके घर में एक शख्स ऐसा था जो हर रोज उनकी कमियां निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। सबसे बड़े आलोचक तो मेरे पिताजी थे, जो भी मैं करती थी उस पर वो ज़रूर एक टिप्पणी करते थे, और बहुत कम ऐसा मौका होता था जब मैंने कुछ किया और वो खुश होते हों। हर रोज पिता से मिलने वाली आलोचना ने ही सरला को देश की सर्वश्रेष्ठ महिला न्यूज रीडर्स में से एक बना दिया। लेकिन जिंदगी में एक मोड़ वो भी आया जब उन्हें खुद को दूरदर्शन से दूर करना पड़ा। शादी के बाद ना चाहते हुए भी उन्हें दूरदर्शन को अलविदा कहना पड़ा। जिंदगी का बड़ा अहम फैसला होता है ना, आप शादी किया, मेरी तो उस समय मैं 30 साल की हो चुकी थी जब मैंने ये शादी का फैसला किया था। तो उस समय हालांकि बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, टीचिंग भी मैंने छोड़ दी, मैं दूरदर्शन में भी चिट्ठी लिख के दे आई थी कि मैं अब कुछ समय तक न्यूज़ नहीं पढ़ूंगी, और इंग्लैंड पहुंच गई थी। ये पता लगा कि बीबीसी भी एक नया चेहरा ढूंढ रही है और शायद सही समय पे सही जगह पहुंची, ऐसा कहिए। शादी के बाद दूरदर्शन छूटा और पति के साथ सात समंदर पार कर लंदन पहुंच गईं। लेकिन लंदन में भी किस्मत सरला के इंतजार में था। विदेश पहुंचकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय चैनल बीबीसी ज्वाइन करने का मौका मिला। डीडी की ट्रेनिंग काम आई और बीबीसी में पहले ऑडिशन के साथ ही उनका सिलेक्शन हो गया। अब वो एक राष्ट्रीय चेहरे से अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बनने का मुकाम हासिल कर चुकी थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड कप लंदन के विंस्टन स्टेडियम में हफ्ता 4 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। मैं ये कहूँगी बीबीसी वास्तव में बड़ी प्रोफेशनल संस्था है। सारे ही वो अंग्रेजी थे, हिंदी का उन्हें ABCD कुछ भी नहीं पता। तो एक जो डर पहली बार था कि एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे आप, पता नहीं कैसा लगेगा, कैसे अपने को तैयार करेंगे, तो वो उन लोगों ने बड़ा इसमें हमको सहयोग दिया। उर्दू शायरी में बुलंद मुकाम हासिल करने वालों के नाम अगर लिए जाएं, तो उनमें मिर्ज़ा गालिब का नाम ज़रूर शामिल होगा। जवानी में वो दिल्ली चले गए और कुछ अरसा उन्होंने कलकत्ते में भी गुजारा, लेकिन मिर्ज़ा गालिब लंदन में? जी हाँ, ये एक ड्रामे का नाम है जिसे शमशुद्दीन आगा ने लिखा है और जो अब एक किताब की शक्ल में छप चुका है। बीबीसी के जो भी दर्शक थे वो केवल इंडियन नहीं थे, उसमें पाकिस्तानीज भी थे, श्रीलंकन्स भी थे, बांग्लादेशीज भी थे। वहाँ हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलना भी किसी को स्वीकार नहीं था। उनका जो भाषा का क्या मतलब रुख था वो उर्दू नुमा था। लगातार 2 सालों तक बीबीसी में काम करने से उन्हें भारत के बाहरी हिंदी प्रेमियों का भी प्यार मिला। वहाँ भी उनके लिए फैन मेल्स और चिट्ठियों की भरमार लग गई। फर्क बस इतना था कि फैंस का प्यार अपना विस्तार कर चुका था। उन्हें अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और दूसरे देशों से वाहवाही मिल रही थी। इंग्लैंड जब हमने छोड़ा था तो लास्ट प्रोग्राम जब सरला ने किया तो शी हैड अनाउंस्ड कि मैं लास्ट प्रोग्राम कर रही हूँ और अब मैं वापस आ जा रही हूँ। एक लेटर बहुत भावुक उन्होंने लिखी थी कि हमारी भी 3 लड़कियाँ हैं। उन्होंने कहा कि जो आपने पर्दे पर रह के कॉन्ट्रीब्यूट किया मेरे फैमिली को, वो हम कभी भूल नहीं सकते। और उनको लग रहा था कि एक बहुत अच्छी आप शुरुआत करके इंग्लैंड से जा रही हैं। इंग्लैंड में 2 साल बिताने के बाद सरला के परिवार ने फिर अपने वतन वापस लौटने का फैसला किया। 2 साल तक डीडी से दूर रहने के बावजूद भी जब वो इंडिया वापस आई तो उन्हें हाथों हाथ लिया गया। वापस आते ही उन्हें दूरदर्शन ज्वाइन करने का ऑफर दोबारा मिला।
सरला एक साल तक तो खुद को दूरदर्शन से दूर रख रहे थे क्योंकि उनके सामने अपने छोटे बच्चों का भविष्य था। लेकिन इंडिया आने के साल भर बाद दोबारा यह चेहरा दूरदर्शन की चमक बन गया। वापस आते ही सलमा सुल्तान, शम्मी नारंग और जीबी रमन जैसे अपने पुराने साथियों के साथ उन्हें खबरों को देश भर में पहुंचाने का मौका मिला। सलमा जी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन थी, जीबी रमन हमारे एक बहुत सीनियर न्यूज रीडर थे, उनके साथ पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी। शोभना जी थी, मंजरी थी हमारे साथ, शम्मी थे, शम्मी हमेशा बहुत अच्छा मजाक किया करते थे, हल्का फुल्का माहौल हो जाता था। कभी कभी हम साथ भी पढ़ते थे तो वो एक प्रेस बटन दबा के, जब वो म्यूट बटन दबा देते और फिर कोई ऐसा मजाक कर देते थे कि सडनली बड़ी जोर की हंसी पूरे स्टूडियो में सबको आती। तो आज भी हम लोग किसी फंक्शन में मिले तो बड़ा अच्छा लगता है सबसे मिलके। भारतीय टेलीविजन का वो वक्त सरला के साथ साथ उनके सभी साथियों के लिए चुनौती भरा था। छोटी बड़ी हर खबर को उन्हें सहजता से पढ़ना होता, लेकिन एक छोटी सी गलती भी उन पर भारी पड़ती थी। एक शब्द का गलत उच्चारण हो जाता तो न्यूज रीडर्स के लिए मेमो जारी किया जाता, लेकिन यही गलतियां उन्हें सबक भी देती थी। तो बहुत की हम लोगों ने, मुझे एक बार याद है मैंने वित्त मंत्री को शायद कुछ और बोल दिया था, विधि मंत्री या कुछ ऐसा बोल दिया था, तो बेचारा जो हमारा एडिटर होता था वो न्यूज़ रूम से भागता था एक रिग्रेट अनाउंसमेंट के साथ। जब वो पढ़ते थे तब फिर कान लाल हो जाते थे कि कैसी भयंकर हम ब्लंडर करके बैठे हुए हैं। फिर मेमो मिलता था और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी। जितनी दिलचस्प वो टीवी पर दिखती हैं उतनी ही दिलचस्प सरला की निजी जिंदगी भी है। 30 की उम्र हो जाने के बाद उन्होंने पेशे से एक डॉक्टर को अपना जीवन साथी चुना। तब एक डॉक्टर और न्यूज एंकर के बीच तालमेल बिठाने में उनके घर वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आई थिंक इंग्लैंड में तो ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब हम इंडिया आ गए थे तो इनको बड़े ऑड टाइम्स पर न्यूज पढ़ना पड़ता था, स्पेशली मॉर्निंग न्यूज। तो मैं सुबह ले जाता था, ड्राइव करता था 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सरला के सामने एक तरफ छोटे छोटे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी थी तो दूसरी ओर दूरदर्शन पर खबरों के संचालन का जिम्मा। एक साथ दोनों जिम्मेदारियां सरला पर काफी भारी पड़ रही थी। जब कभी बड़ी खबरों की कवरेज के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ता तो परिवार की खुशियां उनके आड़े आने लगती। 5 जून 1997 कोलकाता से मदर टेरेसा के निधन की खबर आई और सरला को कोलकाता जाकर इस खबर का संचालन करना था। पूरा देश मदर टेरेसा के निधन के शोक में था। 3 दिन कोलकाता में रहकर सरला ने पूरी खबर देश के कोने कोने तक पहुंचाई। लेकिन इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो दिल्ली के बाहरी खबरों को कवर नहीं करेंगे। ऐसा बीच में जब स्पेशली बच्चे छोटे थे तो उनको अटेंड पूरी तरह नहीं कर पाते थे, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि दे कम फर्स्ट। सरला ने भी आपके प्रोग्राम्स के लिए मना कर दिया था। मदर टेरेसा का बस आखिरी था जो उस समय लाइव कवरेज जब उनके लास्ट राइट्स का हुआ था कैलकटा से, तो उस समय मैंने बाहर जरूर मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आके तय कर लिया था कि मैं अब इस तरह बाहर के प्रोग्राम्स नहीं लिया करूँगी। दो बच्चों के साथ वो एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। फैमिली सपोर्ट से ही वो घर और ऑफिस दोनों के बीच तालमेल बिठाकर लगातार 29 सालों तक टीवी एंकर बनी रहीं। सिर्फ न्यूज रीडिंग ही नहीं, उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम्स, स्क्रिप्ट राइटिंग और लाइव शोज भी किए। शुरू तो किया था मैंने बच्चों के लिए कहानियां लिखने से, मैं स्क्रिप्ट लिखती थी, जैसे कभी गाजर मूली की कहानी, कपड़े की कहानी, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ही कीजिए, आप ही कंपेयर करिए हमारा बच्चों का प्रोग्राम, तो वो कुछ प्रोग्राम्स भी किए और उन दिनों भी फिर साप्ताहिक की वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग करते थे। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी राइटिंग जैसे टीवी चैनल की लगभग हर विधा में उन्होंने हाथ आजमाया। इसी बीच देश में निजी न्यूज चैनल्स ने भी दस्तक दिए, उन्हें प्राइवेट चैनल से मोटी तनख्वाह के साथ कई ऑफर मिले, लेकिन सरला ने डीडी का साथ नहीं छोड़ा। उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फिल्मी दुनिया में भी आने की पेशकश की, लेकिन सरला की प्राथमिकता उनका परिवार था। साल 2005 के आते आते सरला की जिंदगी में वो वक्त भी आया जब पूरी तरह से उन्होंने दूरदर्शन को अलविदा कह दिया।
झड़ी सी लग गई थी चैनल्स की, और दूरदर्शन भी कहीं पीछे खोता जा रहा था। प्राइवेट चैनल्स तो थे ही प्राइवेट, और ये तो नेशनल चैनल था, सरकार के हाथ में था, तो जैसे सरकार चल रही थी उसी स्पीड से ये चल ही रहा था दूरदर्शन। तो उस होड़ में ये लोग काफ़ी आगे चलते चले गए, इसलिए फिर धीरे धीरे ये हो गया कि इनका प्रभुत्व बढ़ गया इन सभी चैनल्स का मार्केट में, और दूरदर्शन पीछे होता चला गया। पूरी अप्रोच न्यूज़ की बदल गई, और जिस तरीके से हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी और बाद में जो न्यूज़ की अप्रोच थी वो बिल्कुल अलग थी। आप जैसे प्रिंस कुएं में गिर जाता है तो वो मेन न्यूज़ हो जाती है, हमारे दौर में ऐसा नहीं था कि इस तरह की सेंसेशनल जो न्यूज़ होती थी उसको मुद्दा नहीं बनाया जाता था। फिर हम लोगों ने भी एक दिन फैसला लिया और पढ़ना छोड़ ही दिया। आज के दौर में भी सरला मंत्रालयों के कई सम्मेलनों की सूत्रधार बनती हैं। इसके अलावा लिखने का उन्हें खूब शौक है। हाल ही में उन्होंने एक बुक भी कंपाइल की है। अपने पति के साथ मिलकर वो एक चैरिटी हॉस्पिटल भी चला रही हैं। जिंदगी में आए तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद आज भी उनके चेहरे का वो नूर देखते ही बनता है जो उन्हें एक कॉलेज गोइंग लड़की से देश की हसीन हस्ती बना दिया।